हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल एट द चंडीगढ़ करियर ग्रुप। सो गाइस, हम जो है एफ कैट जीके को कंप्लीट कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स को कवर किया था, और स्पोर्ट्स को जो हमने कवर किया था वो हमने थ्योरी के हिसाब से किया था, राइट। आफ्टर दैट आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि एफ कैट जीके का पार्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी होगा, जियोग्राफी के बाद आपको पॉलिटी देखने को मिल जाएगा, साथ में करंट अफेयर्स भी होगा। तो आई थिंक अब जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उनके थ्रू यदि हम जीके को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ जो है हमने क्या किया है, अपने कोर्स में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को फिर हम उनका डिटेल सॉल्यूशन जान लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो स्टैटिक जीके है वो भी कवर हो जाएगी, राइट। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन, और ये जो क्वेश्चन नंबर वन है इसमें क्या बोला जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख रहा होगा, राइट। अब आपको अच्छे से दिखेगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स इज द एग्जांपल ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आपसे ये पूछा गया है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इनमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है। तो जो है आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ब्रह्मोस, ऑप्शन बी ब्रह्मोस 2, ऑप्शन सी बैरक 8 एंड ऑप्शन डी निर्भय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब आपको क्या करना है, आपको जो है खुद का जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है, राइट। जब तक भी मैं आंसर नहीं बताता, और लास्ट में आपको क्या करना है, अपना स्कोर भी बताना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी सही हुई है, राइट। तो जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा जो कि होगा ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। सर आपको जो है तीन टाइप की जो है मिसाइल्स देखने को मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड जो है आपको तीन प्रकार की मिसाइलें देखने को मिलेगी। पहली जो होगी ये देखने मिल जाएगी आपको हाइपरसोनिक, पहली कौन सी देखने मिल जाएगी हाइपरसोनिक, दूसरी आपको देखने को मिल जाएगी सुपरसोनिक। दूसरी कौन सी होगी सर, दूसरी आपको जो है सुपरसोनिक देखने को मिल जाएगी। सर जो हाइपरसोनिक होगी, ठीक है, उसके जो मैक होगा, ठीक है, आपको क्या देखने मिल जाएगा, जो मैक होता है, मैक के बेसिस पे कहीं ना कहीं स्पीड को मेजर किया जाता है, जिसका मैक जो है 5 के ऊपर होगा वो क्या होगी हाइपरसोनिक होगी, और जिसका 1 से जो है आपका क्या होगा 5 के बीच में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। तो ये आपको क्या देखने मिल जाएगा, एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है मैक स्पीड कितनी है, 1 से 5 के बीच में ही है। यस, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, नेम ऑफ मिसाइल्स, जो जो आपके ऑप्शंस में हम देखेंगे कि उनका नेचर आपको कैसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस आपको जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देखने को मिल जाएगी। वहीं पे यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रह्मोस 2 के बारे में, तो ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस 2 है ये आपको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल देखने को मिल जाएगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का यहाँ पे जो है मतलब क्या होगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब ये होगा कि जो मैक है इसका कितना होगा सर, ग्रेटर देन 5 आपको इसका मैक देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं बैरक की, बैरक आपको क्या देखने मिल जाएगा, एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलेगा। क्या होगा सर, एक आपको लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिल जाएगी, और निर्भय वहीं पे सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। यदि मैं बात करता हूँ सबसोनिक के बारे में, तो सर सबसोनिक का मतलब क्या होगा, सबसोनिक का मतलब ये होगा कि इसकी जो मैक्स स्पीड होगी ये क्या होगी, लेस देन 1 होगी, राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट। अब हम और भी जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ब्रह्मोस के बारे में। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ब्रह्मोस आपको जो है ये जो दो रिवर है इनके बिन नाम के ऊपर जो है ब्रह्मोस का नाम रखा हुआ है, जो इंडिया की है ब्रह्मपुत्रा, और मॉस्कोवा जो रिवर है कहाँ की है, ये यहाँ पे इंडिया लिखा है, इंडिया नहीं आएगा यहाँ पे, जो है रशिया आना चाहिए। क्या आएगा, जो रशिया की मॉस्कोवा रिवर है उसके नाम पे, और इंडिया की जो आपकी क्या देखने को मिल जाएगी, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इन दोनों के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड, कि जो है
कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर जो है गॉबी जो डेजर्ट है ये लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज यूरोप, ऑप्शन बी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया एंड ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको सर क्या देखने को मिल जाएगा, इसका जो सी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा दैट इज एशिया। तो आपको ये देखने मिलेगा जो गोबी डेजर्ट है ये बेसिकली एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा, किस किस के बीच में, जो मंगोलिया और चाइना है इसके बीच में देखने को मिलेगा। और सर यहाँ से जो है आपको एक और क्वेश्चन अपने एफकैट जीके के लिए प्रिपेयर करना है, वो ये होगा कि जो गोबी डेजर्ट है ये आपको एक कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से जो है कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, तीन आपके पास जो हॉट डेजर्ट होंगे उनके नाम दिए होंगे और एक जो है कोल्ड डेजर्ट का नाम दिया होगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो जो गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको जो है एक कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, बाकी के डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको थार डेजर्ट देखने को थार डेजर्ट के बाद जो है थार डेजर्ट कहां पे सर, इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे उसके बाद आपको टकला मकान जो है डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। टकला मकान आपको कहां पे देखने को मिलेगा, चाइना के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं चोलिस्तान डेजर्ट, ये आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर जो काइजिल कुम और काराकुम, ये दोनों भी कहां पे है देखने को मिल जाएंगे सर, ये आपको जो है वेस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसी के साथ जो है आप हमारे जो एशिया के इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट है इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बाकी जो यूरोप में डेजर्ट हैं, जो आपके नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट होंगे और जो अफ्रीका में डेजर्ट होंगे, उनको हम कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सर यूरोप के अंदर जो है आपको कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, यदि एग्जाम में पूछेगा कि टैबरनस जो डेजर्ट है ये कहाँ पे है, तो यूरोप के अंदर है। यदि पूछेगा डेलिब लेटो जो आपका क्या है सैंड डेजर्ट है ये कहाँ पे है, तो ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यूरोप में। यदि पूछेगा अल्टेनियन सहारा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यदि एग्जाम में पूछा अल्टेनियन सहारा डेजर्ट कहां पे मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यूरोप आपका आंसर होना चाहिए। और यदि पूछेगा अकोना डेजर्ट कहां पे है, तब भी आपका आंसर जो है यूरोप ही होना चाहिए। सहारा वर्ड देख के यहां पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास आपको नहीं जाना है, आगे वर्ड क्या दिया है अल्टेनियन सहारा डेजर्ट है, तो जहां पे वर्ड आपको अल्टेनियन देखेगा वहां पे आपको सीधा इसको लिंक करोगे आप किसके साथ में, यूरोप के साथ में। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी आपको बहुत सारे डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे। पहला सर आपको कौन देखने को मिल जाएगा, पहला आपको देखने को मिलेगा चिहुआन जो आपका डेजर्ट है ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मोजावे डेजर्ट का आपने कभी ना कभी जरूर नाम सुना होगा, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे सोनोरन जो डेजर्ट है ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी आपको जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे भी आपको जो है डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे सर, जैसे कि आपको सहारा डेजर्ट कहाँ पे है अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएगा। नामीब डेजर्ट एग्जाम के अंदर पूछेगा तब भी आपको अफ्रीका ही टिक करना है। कालाहारी डेजर्ट जो है यदि एग्जाम में पूछेगा तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, अफ्रीका ही होना चाहिए। तो ये जो है पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। बोला क्या गया है कि लैंड ऑफ थाउजेंड लेक इनमें से जो है कौन सी जो है आपको यूरोपियन कंट्री देखने को मिलेगी, और आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे एंड ऑप्शन डी एस्टोनिया आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली जो इसका राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा दैट इज फिनलैंड। तो सर फिनलैंड को क्या कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है द लेक ऑफ थाउजेंड जो है आपका जो है लेक्स कहा जाता है, द लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं नॉर्वे के बारे में, तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। एग्जाम के लिए ये पॉइंट याद रखना है कि यदि पूछेगा लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे आपका आंसर होना चाहिए। यदि पूछेगा द इलॉन्गेटेड कंट्री कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्वीडन आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए, और स्वीडन को क्या कहा जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं जैब, ये जो जैब वर्ड है ये किसके साथ एसोसिएटेड है,
राइट right? तो यहाँ पे आपको वर्ड जो जैब है ये किसके साथ एसोसिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज बॉक्सिंग, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बास्केटबॉल एंड ऑप्शन डी इज बिलार्ड्स। ये हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से हमने कवर किया हुआ है। तो डेफिनेटली जो इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा और वो सर क्या होगा बॉक्सिंग आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो जैब आपको क्या देखने मिल जाएगा एक क्विक पंच होता है जो कि लीडिंग हैंड से मारते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट होता है टारगेट पे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है कहाँ पे यूज किया जाता है बॉक्सिंग के अंदर यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द जैब आपको और भी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल जाएगी जो कि सर किसके साथ एसोसिएटेड है, जो कि एसोसिएटेड है बॉक्सिंग के साथ में। जैसे कि सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा हुक देखने को मिलेगा, पंच देखने को मिलेगा, नॉकआउट, अपर कट, किडनी पंच, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे के सारे जो है आपको क्या देखने मिल जाएगी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एसोसिएटेड है बॉक्सिंग के साथ में। यदि हम बात करते हैं इंडिया में जो है बॉक्सिंग को कौन गवर्न करता है तो आपको इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन देखने को मिल जाएगा और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, राइट। और जो स्पोर्ट्स हैं जैसे कि एग्जांपल में आपको फुटबॉल भी देखने को मिल जाएगा, टेनिस भी देखने को मिल जाएगा, क्रिकेट भी देखने को मिल जाएगा, तो इनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनका भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो बनाना किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, आउट, ऑफ साइड, हैट्रिक, फॉल, लेफ्ट आउट, गोल, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कॉमर, किक, बेसलाइन, रिबाउंड, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज दे आर एसोसिएटेड विद द फुटबॉल। अब सर आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रहे हो सकता है आपके मन में ये जो है सवाल आ रहा हो, तो ये जो है ऑलरेडी मैं वीडियोज प्रीवियस वीडियोज में ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझा चुका हूँ। बेसबॉल की बात करते हैं पिचर्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना था, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, बेस रनर, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। वहीं पर यदि हम बात करते हैं बॉक्सिंग की तो बॉक्सिंग के अंदर आपको नॉकआउट, पंच, जैब, राउंड, हुक, पंच, अपरकट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से जानी है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में टेनिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल जाएगा सर्विस देखने को मिल जाएगा, ग्रैंड स्लैम जो कि टूर्नामेंट है, ड्यूस देखने को मिल जाएगा, एडवांटेज, गेम पॉइंट, उसके बाद ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट और जो है ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेस लाइन एक्सेट्रा, ये सारी जो है टर्मिनोलॉजीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा कि विच इंडियन स्विमर हैज बिकम द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द सेवन ओशियंस। ऐसा कौन सा जो है इंडियन जो है स्विमर है जो पहला एशियन बना था, हाँ याद रखना ये वाला पॉइंट, जो पहला एशियन बना था जिसने स्विम किया था अक्रॉस द सेवन ओशियंस। पहले हमने सेवन सीज के बारे में हमने जरूर पढ़ा है लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेवन ओशियंस की, तो आपको जो है ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इज भक्ति शर्मा, ऑप्शन बी अश्विन मेनन, ऑप्शन सी रहन पंचा एंड ऑप्शन डी इज रोहन मोरे। तो आपको राइट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा, डी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा जो कि सर क्या होगा रोहन मोरे होगा, राइट। तो रोहन मोरे जो है पहले जो है एशियन थे जिन्होंने क्या किया था सर स्विम किया था अक्रॉस द सेवन ओशियन, राइट। तो अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर जब हम ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं तो आपको क्या देखने मिल जाएगा कि हमने पांच ही ओशियन आज तक पढ़े हैं तो यहाँ पे सेवन कैसे आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है जो पैसिफिक ओशियन है और जो आपको क्या देखने मिल जाएगा जो आपका अटलांटिक ओशियन है इसके दो दो पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको नॉर्थ पैसिफिक देखने को मिल जाएगा और साउथ पैसिफिक देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपको जो है नॉर्थ आपको जो है अटलांटिक देखने को मिल जाएगा और साउथ अटलांटिक देखने को मिल जाएगा, तो इस तरीके से जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो आपको ये सब सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अलोंग विद आपको क्या देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर तो इन्होंने क्या किया था कि जो है द ओशन सेवन ओशन की जो मैराथन थी इसमें इन्होंने ऐसा नहीं था कि सारे के सारे सीज को क्रॉस किया, कैसे किया ये थोड़ा समझने की कोशिश किया। इन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया, कुक स्ट्रेट को क्रॉस किया, उसके बाद मुल्कई चैनल को क्रॉस किया, इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, कैटालोनिया जो आपका चैनल है इसको क्रॉस किया, उसके बाद जो आपका टुस्क्रू जो स्ट्रेट है उसको पास किया और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पास किया, राइट। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसी के साथ जो हमारे रोहन मोरे थे ये जो है जरूर फर्स्ट आपको जो है एशियन देखने को मिल जाएगा
जिन्होंने स्विम अक्रॉस द सेवन ओशन किए था, लेकिन ये फर्स्ट नहीं थे वर्ल्ड में। इनका जो टोटल पेस कितना देखने को मिल जाएगा, 9th देखने को मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहीं पे यदि हम बात करते हैं भक्ति शर्मा के बारे में, तो भक्ति शर्मा भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ओपन वाटर स्विमर थी, और जो है भक्ति शर्मा जो है फर्स्ट एशियन वुमेन थी और यंगेस्ट थी इन द वर्ल्ड जिसने सर क्या किया था, जो आपका अंटार्क्टिका का वाटर था उसके अक्रॉस क्या की थी, स्विमिंग की थी। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग द एमसीक्यूज, इनके थ्रू हम कहीं ना कहीं और भी फैक्ट्स को क्या कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपको क्या देखने मिल जाएगा, यदि हम बात करते हैं अंटार्कटिका वाटर में, यदि पूछेगा फर्स्ट एशियन वुमेन कौन थी, आपका आंसर क्या होना चाहिए, भक्ति शर्मा होना चाहिए। यंगेस्ट वुमेन कौन थी वर्ल्ड की जिसने स्विम अक्रॉस किया था अंटार्कटिका वाटर में, तो भी क्या आंसर होना चाहिए आपका, आपका जो आंसर जो है भक्ति शर्मा ही होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं अश्विन मेनन की, तो अश्विन मेनन भी आपको क्या देखने मिल जाएंगे, एक स्विमर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने सर क्या किया था, जिन्होंने कम्पीट किया था इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। वहीं पर यदि बात करते हैं रेहान जहांगीर पोंचा के बारे में, तो ये आपको क्या देखने मिल जाएंगे, इंडियन स्विमर है और जो है कि 6 टाइम जो है नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और इनको जो है अर्जुना अवार्ड भी मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपको जो है एक और क्वेश्चन में जो है यहां से एडवांटेज मिलेगा, और ये सम टाइम आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपसे पूछा जाता है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से जो है स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो मेरा जो है यहां से ये जो है मोटिव क्लियर हो जाएगा कि जो भक्ति शर्मा है सी एसोसिएटेड किसके साथ एसोसिएटेड है, सी वो एसोसिएटेड है आपके स्विमिंग के साथ में। अश्विन मेनन का नाम आएगा तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्विमिंग ही होना चाहिए। रेहान जो है जहांगीर पोंचा का नाम आएगा तब भी आपका जो आंसर क्या होना चाहिए, स्विमिंग ही होना चाहिए। और यदि हम बात कर रहे रोहिन मोरे के बारे में, तो भी आंसर क्या होना चाहिए, स्विमिंग ही होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो है क्या होगा आपका जो राइट आंसर होगा। अब ऐसे सॉरी, तो आपको क्या देखने मिल जाएगा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे है जहाँ पे जो पर्सनैलिटीज के नाम दिए गए हैं और जो है आपको बताना है कि ये जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वहाँ से जो है हमारा ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे कवर हो जाएंगी। तो सर सबसे पहले आप देख लो कि जो है पहला बोला गया है संध्या अग्रवाल क्रिकेट, उसके बाद फातिमा बानो रेसलिंग, रूप सिंह बैडमिंटन, और जो है वर्षा बर्मन शूटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कि क्या जो इनकोरेक्ट होगा, ये सी होगा जो कि क्या होगा, रूप सिंह बैडमिंटन। नो, जो रूप सिंह है ये आपको क्या देखने मिल जाएगा, ही इज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट, राइट। तो आई एम सॉरी, ही इज एसोसिएटेड विद द हॉकी, आई एम रियली सॉरी, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो रूप सिंह के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको क्या देखने मिल जाएगा, एक ये इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं, जबलपुर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते थे, और इन्होंने जब इंडिया ने 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में जो है गोल्ड जीता था, तो वो उसका पार्ट थे। तो सर यहां से मेरा एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा कि इंडिया ने जो है हॉकी के अंदर जो है क्या किया है, गोल्ड मेडल तो जरूर जीता है, लेकिन कौन कौन से ओलंपिक्स में जीता है, तो पेयर्स में इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1932 और 1936 का जो ओलंपिक गेम्स था उसमें इन्होंने ये कारनामा किया था। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर संध्या अग्रवाल के बारे में, तो ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, ये भी जो है इंदौर से बिलोंग करती थी, और जो है बस इनको जो है अर्जुना अवार्ड मिला था, तो बस पता होना चाहिए संध्या अग्रवाल सी एसोसिएटेड विद द क्रिकेट, राइट। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, फातिमा बानो के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है रेसलिंग कोच थी वो भी मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती थी। वहीं पे यदि हम बात करते हैं वर्षा बर्मन की, तो ये जो है शूटर थी और ये भी जो है भोपाल मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती थी, और इन्होंने जो है 2014 के एशियन गेम्स थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, 2014 यदि एशियन गेम की बात ही चल रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो एशियन गेम्स थे ये जो है स्टार्ट सर कब हुए थे, 1951 में स्टार्ट हुए थे, और जो है फर्स्ट टाइम कहां पे हुए थे, न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे, ये हमने ऑलरेडी अच्छे से कवर किया हुआ है। और एक जो है इंटरेस्टिंग बात आपको ये देखने को मिल जाएगा कि थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक है, 70 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं सर किसको, इंडिया और जापान के रिलेशन को, ठीक है, यस। तो सर इंडिया ने क्या किया था कि जब न्यू दिल्ली के अंदर जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि एशियन गेम्स हुए थे, उसमें जो है जापान को फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का जो है मौका इंडिया ने दिया था 1951 के अंदर। तो जो है इसके लिए जो है जापान आज भी कहीं ना कहीं इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो क्या है ग्रेटिट्यूड शो करता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, IOC। काफी इजी क्वेश्चन है, हम डिटेल में डिस्कस किया हुआ हमने कि इसको एस्टैब्लिश कौन से ईयर में किया हुआ है, तो आपके लिए केक वॉक ये क्वेश्चन होना चाहिए। ऑब्वियसली सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, दैट इज 1894 के अंदर सर क्या किया गया है, जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बनाया गया है। काफी इजी क्वेश्चन था और हम जहां जाने कितनी बार इसको जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि हम बात करते हैं सर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था 23 जून 1894, और जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके फाउंडर का आपको नाम याद नहीं रखना है, और ये जो है IOC विंटर और समर ओलंपिक को क्या करती है, कंडक्ट करवाती है, और जो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो है ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लुजान स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। करंट इसके प्रेसिडेंट कौन देखने को मिल जाएंगे सर, थॉमस बाक देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? यस। यदि हम बात करते हैं सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको क्या देखने मिल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट ऑफ द बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो है नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा देखने मिल जाएगा, ए इज क्रिकेट, बी इज खो 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 खो, थर्ड जो सी होगा ये देखने को मिलेगा कबड्डी, और डी जो देखने को मिल जाएगा ये होगा बॉक्सिंग। तो सी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा कबड्डी। तो कबड्डी आपको नेशनल स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा बांग्लादेश का, तो कबड्डी आपको नेशनल स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा सर किसका, बांग्लादेश का। और वहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल भी काफ़ी ज़्यादा क्या है सर, काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर है। कबड्डी को वहाँ पे क्या कहा जाता है, हाडूडू कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाडूडू किस गेम का नाम है, कबड्डी का नाम है, कहाँ पे बोला जाता है, बांग्लादेश के अंदर बोला जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका पुंग क्लोम एक आपको क्या देखने मिल जाएगा, फोक डांस देखने मिल जाएगा, ये कौन सी स्टेट का है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो राइट आंसर जो आपको देखने को मिल जाएगा, बी इज द राइट आंसर, दैट इज द मणिपुर। तो मणिपुर का जो है पुंग क्लोम आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो है फोक डांस देखने को मिल जाएगा। तो काफी इजी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं पुंग क्लोम की, तो ये मणिपुर का जो है फोक डांस देखने को मिल जाएगा, और पुंग क्लोम का लिटरली मतलब होता है रूर ऑफ द ड्रम्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बस आपके लिए अभी इसमें कौन सी फॉर्म है, क्या है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए बाकी के जो है और कौन कौन से फोक डांस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सर यदि हम बात करते हैं पहले मणिपुर की ही, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि मणिपुर की कैपिटल कहाँ पे, इम्फाल के अंदर देखने को मिल जाएगी, और वहीं पर जो है गवर्नर कौन है, नस्मा हब्तुल्ला देखने को मिल जाएगा, एंड बीरेन सिंह जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। बेसिकली जो है ऐसे क्वेश्चन आपसे चीफ मिनिस्टर गवर्नर नहीं पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। यदि हम बात करते हैं बाकी की स्टेट्स और फोक डांस की, तो रॉफ आपको जम्मू कश्मीर में देखने मिलेगा, भांगड़ा पंजाब के अंदर, गरबा गुजरात के अंदर, रासलीला उत्तर प्रदेश के अंदर, घूमर राजस्थान के अंदर, बिहू आसाम के अंदर, लावणी महाराष्ट्र के अंदर, राउत नाश्ता कहाँ पे नाचा कहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर, वहीं पर पुलिकली केरला के अंदर, घूमरा जो है या जिसको घूमरा कहते हैं ये उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगा, काराकट्टम तमिलनाडु के अंदर, और वहीं पर जो है डोलू कुनिटा कर्नाटका के अंदर, और वीर नाट्यम ये देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप इजीली जो है आंसर तक पहुंच सकते हो, इतने टफ ये नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या देखने मिल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट मंगदा वेदा, सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन है। काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर भी करोगे। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी क्या देखने मिल जाएगा अथर्ववेद, एंड ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर जो आपको क्या देखने मिल जाएगा, बी देखने को मिल जाएगा, जो कि सर क्या होगा ऋग्वेद, आपको सबसे ओल्डेस्ट वेद देखने को मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूं काफी एस्पिरेंट्स ने इसका जो है राइट आंसर किया भी होगा। तो जो सर आपको ऋग्वेद देखने को मिल जाएगा, ये ओल्डेस्ट वेद देखने को मिल जाएगा, राइट, ये चार वेदों में से एक है। इसमें टोटल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ हिम्स यदि पूछेगा एग्जाम के अंदर कि ऋग्वेद में कितने हैं, तो कितना देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा 1028 हिम्स, और वर्सेस कितने हैं सर 10,600 आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, वर्सेस देखने को मिल जाएंगे, मंडल कितने हैं 10 देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट एंड टेंथ मंडल आपको क्या देखने में, फर्स्ट जो मंडल होगा ये सबसे यंगेस्ट है, टेंथ मंडल जो है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। गायत्री मंत्र जो है मंडल 3 में देखने को मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एग्जाम में पूछेगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो थर्ड मंडल में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सर 9 मंडल के अंदर जो है सोम को जो है डिवोट किया गया है, और 10th मंडल के अंदर आपको पुरुषा सूक्त देखने को मिल जाएगा, जो कि सर क्या करता है, जो चार वर्णों के बारे में बताता है। वहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, नसादिया सूक्त जो है ये किसके साथ डील करता है, ये बताता है कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ था, और ये भी आपको 10th मंडल के अंदर ही देखने को मिलेगा, राइट।
यदि हम बात करते हैं सर वेदास की, तो आपको क्या देखने मिल जाएगा, ये हिंदू रिलीजन के टेक्स्ट हैं और वेदों का मतलब होता है नॉलेज। ऐसे आपको चार वेद देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम में पूछता है कौन सा वेद किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट देखने को मिल जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदा है। इसके अंदर आपको केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस के बारे में जो है ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। यजुर्वेद के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, इसमें जो है ऑल द सेक्रीफाइसेस, फॉर्मुलेज एंड वेपन्स, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सामवेद के अंदर जो है क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात किया गया है। अथर्ववेद के अंदर आपको क्या देखने मिल जाएगा कि इसमें जो है आपको क्या देखने मिला, आयुर्वेद के बारे में बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, काफी इजी नेचर के ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, बोला ये जा रहा है द फोर्ट ऑफ द आगरा, ये जो है बिल्ट किसके द्वारा किया गया था, कौन से मुगल इंपीरियर के द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी जहांगीर। तो बी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, अकबर होगा। अकबर ने क्या किया था, जो फोर्ट ऑफ द आगरा था इसको बनाया था, राइट। द फोर्ट ऑफ द आगरा वाज बिल्ट बाय द इंपीरियर मुगल, जो आपको क्या देखने मिल जाएंगे, अकबर देखने को मिल जाएंगे। और इन्होंने ये कब जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, 1565 के अराउंड जो है कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट की थी, 1983 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1983 के अंदर जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और आगरा फोर्ट को कहीं ना कहीं जो है रेड फोर्ट भी कहा जाता है, बस आपको पता होना चाहिए। और क्यों, क्योंकि ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और ये कौन सी रिवर के जो है क्रॉस है, ये देखने मिल जाएगा यमुना रिवर के अंदर, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से ये सारे सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसी के साथ जो है यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, शाहजहां के बारे में बात करते हैं, तो शाहजहां आपको क्या देखने मिल जाएगा कि शाहजहां ने आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और जैसे कि इन्होंने ताजमहल इन्होंने जो है बनवाया था, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। और जो है अकबर का पूरा नाम क्या देखने मिल जाएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ग्रेट ये इंपीरियर थे और काफ़ी इनको माना जाता है, राइट। इनका जो टेन्यूर जो है 1556 से लेकर 1605 तक देखने को मिल जाएगा। अकबर ने अपने जो उनके फादर थे हुमायूं, उनको सक्सीड किया था। और जो है जब इन्होंने सक्सीड किया था, काफ़ी ये छोटे थे, तो जो बैरम खान था वो गार्डियन था, और वो क्या करता था सर, जो है इनके बिहाफ पे जो है रूल करता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने मिल जाएगा, विच मुगल रूलर इज नोन टू हैव इंस्टॉल्ड अ बेल ऑफ जस्टिस टू फैसिलिट हिज सब्जेक्टेड इन गेटिंग देयर क्राइस्ट फॉर द जस्टिस टू बी हियर्ड। तो जस्टिस के लिए जो है बेल ऑफ जस्टिस किसने बनवाया था, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी हुमायूं। तो बी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, जहांगीर होगा। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेल ऑफ द जस्टिस जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी, राइट। और जो है जहांगीर का रूल कहां से कहां तक रहा, 1605 से लेके 1627 तक देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने एग्जीक्यूट किया था अर्जुन देव को, और जो है बाद में इन्होंने जो है बेल ऑफ जस्टिस भी बनवाया था। और इन्होंने क्या किया था, इनकी जो है शादी किससे हुई थी, मेहरुन्निसा से हुई थी, जिनको इन्होंने नूरजहां का टाइटल दिया। तो पूछेगा नूरजहां का असली नाम क्या था, मेहरुन्निसा, आपको सही नाम देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस पैटर्न, जहां पे हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ में डिटेल में जो है पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। इससे मल्टीपल आपके क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डू सो देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू जस्ट हैव टू प्रेस द लाइक बटन। व्हाट एवर द सजेशंस यू आर हैविंग रिगार्डिंग द वीडियो, यू मे राइट इट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।